हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दिस इज सैटर्न कैपिटल हियर और मैं हूं रजत। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि हम कैसे मार्केट से अपने डर को खत्म कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हमें डर लगता है कि कहीं मार्केट यहां से नीचे चला गया तो, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, हमारा पैसा लॉस हो जाएगा, हम रिस्क लेने से डरते हैं। तो इन सारी चीजों को कैसे खत्म करें, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मोटो है आपको सिखाना। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमको स्टॉक मार्केट से डर क्यों लगता है। सबसे पहला डर इसलिए लगता है कि हमारा पैसा खो जाए, यानी रिस्क से हम डरते हैं स्टॉक मार्केट में। और आपने आसपास में बहुत सारा सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया, तो वो एक जुए की तरह हो गया और उस इंफॉर्मेशन की वजह से हमें डर लगता है कि कहीं मेरा भी पैसा डूब गया तो। दूसरा, प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से, हमारे स्टॉक मार्केट में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। किसी ने बोला, किसी न्यूज से किसी ने टिप्स दिया और हमने खरीद लिया और वो स्टॉक नीचे चला गया तो हमको उसमें डर लगता है क्योंकि उसमें हमें लॉस हो जाता है। तो बेसिकली हमारा जो लॉस होता है, जो रिस्क होता है, उससे हमें डर लगता है, हमको अपने पैसे से डर लगता है। तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले ओवरकम करने का तरीका ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के बारे में, कि स्टॉक मार्केट को प्रॉपर तरीके से सीखा कैसे जाए ताकि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाए और स्ट्रैटेजी पे काम करें। तो आप सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पे आप सीख सकते हैं। सो यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं और आवाज सर्विसेज में जाके, यहां पे फ्री कोर्सेज हैं, इस पे जाके बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट बाई रचना रनाडे, फिर इनका फंडामेंटल एनालिसिस, फिर इनका टेक्निकल एनालिसिस, फिर आप अगर सीखना चाहे तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ये सीखने के बाद स्टेप वाइज आपको सीखना है। देखिए, यूट्यूब पे क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट एक सिस्टमैटिक वे नहीं है कि पहले एज अ बिगनर आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है। आप डायरेक्ट YouTube पे जाएंगे तो वहाँ पे एडवांस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बेसिक लेवल पे मिलेंगी, लेकिन स्टार्ट कौन से वीडियो से करना चाहिए हमें नहीं पता। हमारे साथ भी यही इशू आया था, तो हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ें रखी हैं। ये स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। पहले बेसिक ओवर स्टॉक मार्केट देखना है, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस आपको देखना है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस देखना है। ये तीन चीज़ आप देख लिए तो आप स्विंग में मास्टर हो जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ आपने देख लिया, ये कोर्स करने के बाद, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, पर्पज है आपको सिखाना। ये सीखने के बाद आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको एक एंजल का डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो आप एंजल का डीमेट अकाउंट आप हमारे थ्रू भी ओपन कर सकते हैं जहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। अब आपने एंजल का डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, अब हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है कि हाँ कौन सा इंडिकेटर किस तरीके से काम आता है। जो मैंने इतने सालों में सीख के अपनी जो स्ट्रैटेजी डेवलप की है, मैं वो स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ। आप हो सकता है आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करें जिस पे आपको बिलीव हो। तो मुझे ये अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव होता है तो मैं इस स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहते हैं तो आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए, लास्ट 500 चार्ट, 1000 चार्ट, तब आपको जाके समझ में आएगा कि हाँ स्ट्रैटेजी काम करती है नहीं करती है। तो पहला चीज फियर को ओवरकम करने के लिए एजुकेशन हो गया। एजुकेशन कहाँ से सीखेंगे आप, हमने बता दिया, सैटर्न कैपिटल की वेबसाइट से या फिर यूट्यूब से, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले। आप अपने लेवल ऑफ नॉलेज को बढ़ाइए, अपने बाउंड्री को बढ़ाइए, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब मान लो यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेक की, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो क्या है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 मूविंग एवरेज नीचे, तो हमारा पहला कंडीशन मैच होता है इंडिकेटर का। दूसरा स्ट्रैटेजी स्टॉकिस्टिक RSI 20 से 80 की तरफ जाना चाहिए, यानी दूसरा कंडीशन हमारा मैच होता है। और तीसरा, ये जो RSI होना चाहिए 50 से ऊपर होना चाहिए, तो यानी हमारा तीसरा कंडीशन मैच होता है। तो हम इसमें पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस क्या होगा, यानी स्टॉप लॉस एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसके अगर उस पॉइंट पे हमारा स्टॉक आता है तो हमारा लॉस बुक हो जाए, हम उतना लॉस बुक करके हमारा कैपिटल हमारे पास आ जाए। तो स्टॉप लॉस हमने जो रखा है, ये करेंट डे का कैंडल चल रहा है, 2 सेकेंड डे का लो जो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 116। तो हमने डिसाइड कर लिया कि 116 पे जाएगा तो हमारा पैसा, हमारा जो स्टॉक है वो बिक जाएगा अगर 116 पे जाता है। और हम खरीदेंगे कितने पे, 119 से 120 पे हम खरीदेंगे। तो हमारा रिस्क क्या होगा,
₹4 का। तो आपने अपने एजुकेशन के थ्रू अपनी ये स्ट्रेटजी डेवलप कर ली, अब आपको अपना रिस्क को मैनेज करना है। तो रिस्क मैनेज करने के लिए हमने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया है जो कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो देखो ये एक ट्रेडिंग जर्नल है। तो आपके पास कैपिटल कितना है, तो मान लो आपके पास 10,000 का कैपिटल है, तो आपने यहां 10,000 डाल दिया और यहां आपने नाम डाल दिया। हम इस ₹10,000 पे देखिए, आप मार्केट में आए तो इस रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि कितना ये खो जाए कि आपको डर नहीं लगेगा। तो मेरा जो मानना है कि अगर आपके पास 10,000 है तो इसमें से 10% का आप रिस्क लो कि ठीक है ₹1,000 खो जाता है तो हमें कोई परवाह नहीं है। अब यहाँ पे जर्नल का डेट डाल लो आप, कब आपने जर्नल बनाया, ताकि ट्रैक करने के लिए आसान हो जाएगा। तो ₹10,000 हमारे पास कैपिटल हो गया, तो हमने डाल दिया यहाँ पे रिस्क परसेंटेज 10%। आप चाहें तो आप यहाँ 5% भी डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको ₹500 का मैक्सिमम रिस्क हो जाएगा, लेकिन हम मिनिमम 10% लेके चल, मैक्सिमम 10% लेके चल रहे हैं कि हम इसमें से 10% खोने के लिए तैयार हैं, यानी ₹1,000 खोने के लिए तैयार हैं। अब आता है कि रिस्क पर ट्रेड, मतलब एक स्टॉक पे आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि एक स्टॉक पे कितना रिस्क होना चाहिए। तो यहाँ देखो रिस्क पर ट्रेड, तो मैं मानता हूँ कि ₹200, अगर मैं कोई एक स्टॉक खरीद रहा हूँ तो उस स्टॉक पे ₹200 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा हो गया ना, ₹200 अगर एक स्टॉक को लॉस होता है तो ठीक है मैं उतना सह लूँगा। अगर आप 200 नहीं सह सकते हैं तो आप यहाँ 100 भी रख सकते हैं कि चलो ठीक है एक स्टॉक पे ₹100 खो जाता है तो मुझको कोई परवाह नहीं। तो ये क्या होगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा ₹100 तो जाएगा इस स्टॉक में अगर मैं घुसा हूँ तो। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारा रिस्क ₹100 है एक ट्रेड पे, तो हमारा SL तो छोटा हो जाएगा, तो हमारा SL हिट करने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका SL बिल्कुल छोटा नहीं होगा, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। कैसे, मैं यहाँ बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपका ट्रेड नंबर एक हो गया और आज आपने 10-12 यानी आज संडे है, तो कल आप अगर ट्रेड लेते हो तो यानी 11-12 को आप ट्रेड लोगे। सिंबल कौन सा है, जोमैटो में आप लोगे। क्वांटिटी अभी आपको डिसाइड नहीं करनी है। एंट्री आपने जो अपनी स्ट्रैटेजी देखी थी तो ₹119 चल रहा है, तो सपोज ₹120 पे आप एंटर कर रहे हो, कल मार्केट ओपन होगा तो आपकी एंट्री 120 पे होगी। और हमने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया था वो क्या डिसाइड किया था, वो हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था इस दो कैंडल का लो यानी ₹116। चलो हम ये भी नहीं डिसाइड करते, हम एकदम सेफ साइड चलते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा हम ये लेके चलते हैं कि ये 50 डे का मूविंग एवरेज हमारा स्टॉप लॉस होगा यानी 113.85। तो हम 113 लेके चलते हैं एकदम सेफ साइड, यानी इसके नीचे आएगा तो समझ जाओ हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हम लेके चलते हैं कि चलो ₹113 का हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ मेंटेन कर दिया 113। तो देखो हमारा रिस्क पर शेयर कितना आ गया, यानी एक शेयर पे ₹7 का रिस्क आ गया हमारा, कि ₹7 मैं खोऊंगा अगर मैंने ₹120 लगाया है तो उस पर ₹7 खोऊंगा। तो अब हमने इसमें कितना लिया था रिस्क पर ट्रेड, ₹100 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो हमारा रिस्क जो है, हमने ये 50 मूविंग एवरेज बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस भी नहीं है, ₹7 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, लगभग 7% का 5-7% का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग टाइप करो। अब क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ 15 डालते हैं तो 15×7 ₹105 मैं लॉस करूंगा। तो ठीक, हमको ₹100 के अंडर में जाना तो हमको 14 क्वांटिटी यानी 14 क्वांटिटी मैं अगर जोमेटो का लेता हूँ तो मुझे लॉस ₹98 का होगा। हमारा स्टॉप लॉस छोटा नहीं हुआ, हमारी क्वांटिटी छोटी हो गई ₹14। अब यहाँ टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, 127। अब यहाँ मार्केट देखो, आपने टारगेट क्या रखा है, 1:7 यानी 1:1 का रेशियो। अगर 1:7 जाता है तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 1:7 जाता है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा ₹98 का। 1:3:4 जाता है तो हमें इसका डबल हो जाएगा, लगभग 100-200 के करीब में हो जाएगा हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमको अपना स्टॉप लॉस छोटा नहीं करना है, हमें क्वांटिटी छोटी करनी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो 98 ही जाएगा ना, तब इतना जिगरा तो आ ही सकता है कि ₹98 ही लॉस करेंगे, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा हमारे मार्केट में। सेम एज आप सेकेंड थर्ड स्टॉक जो भी है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो स्ट्रेटजी के हिसाब से, और यहाँ पे अपना रिस्क पर मैनेज कर सकते हो। सपोज अब आपने यहाँ पे
127 गया, तो 127 पे आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते हो, तो प्रॉफिट पर शेयर कितना हो गया? 7 रुपीज। एग्जिट डेट आप डाल दोगे, सपोज आपने कल आपने ट्रेड लिया, आपने 15, 12, 23 को एग्जिट कर गए, तो 98 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा और यहाँ पे आपको डाल देना है 98। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा आपका 98 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। टोटल ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज आपका 10,000 का कितना हो गया? 0.98% आपने प्रॉफिट बनाया। टोटल रिस्क आपने कितना लिया था मार्केट में? 98 रुपीज का रिस्क लिया था। टोटल टर्नओवर कितना किया? अब आपको इसको खरीदने में कितना कितना लगा? 1680 रुपये आपको खरीदने में इस स्टॉक लगे, और आपके पास 10,000 में से 1680 माइनस कर दो तो लगभग 8,400 के करीब आपके पास अभी भी पैसा है। तो आप कितने शेयर ले सकते हो? आप 100 रुपये अगर पर स्टॉक अगर आप रिस्क लेते हो तो आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर होने चाहिए। तो 10 शेयर आप लो जिसका आपका रिस्क पर ट्रेड 100 रुपया हो, उसमें से अगर 8 में से या 7 में से आपको प्रॉफिट हो रहा है, 3 में से लॉस जा रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा 1,000 खोएंगे, 1,000 ही खोएंगे इस 10,000 पे, और आपके पास स्टॉक कितना होगा? 10। तो आप 10 ट्रेड कीजिए, 10 ट्रेड में अगर आप 10 का 10 फेल हो जाता है तो आप 1,000 खोएंगे, लेकिन 10 जब फेल हो जाएगा तब आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर 10 का 10 स्टॉप लॉस हिट होता है तो समझ जाओ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। अगर 10 में से 7 टारगेट हिट होता है और 3 स्टॉप लॉस होता है तो समझ जाओ आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी काम कर रही है, आप प्रॉफिटेबल हैं। तो ये तरीका है, मुझे लगता है, जिससे आप डर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, और ये जर्नल ऐसा है कि जहां पे आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। सेम एज कि मान लो अब हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, मैं एक दूसरे स्टॉक का एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज हमने ITC का एग्जांपल ले लिया कि ITC अभी वीकली बेसिस पे हम जाते हैं, वीकली बेसिस पे हमको ITC खरीदना है, तो यहां वीकली बेसिस पे अभी चल रहा है 449, तो हमारा तीनों स्ट्रैटेजी मैच कर रहा है। यहां आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 ऊपर, स्टॉक के साथ 20 से 80, और ये भी RSI भी 50 से ऊपर, यानी तीनों स्ट्रैटेजी मैच हो रहा है, तो यानी यहां पे हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। कितने पे बाई कर सकते हैं? 449, यानी हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि चलो हमने 450 पे खरीदा, तो यहां हम डाल लेते हैं ITC, एंट्री हमारी कितनी हो गई? 450, ठीक है। और हम यहां आ जाते हैं, जैसे हमारा जो तरीका है स्टॉप लॉस लेने का क्या है, करेंट वीक चल रहा है, उसके दो वीक पिछले का लो, यानी पहला वीक दूसरा वीक इसका लो हम ले लेंगे। इसका लो कितना है अभी मार्केट में आप देखो, तो इसका लिया है, लो है 434.50, तो 434.50। तो आपके पास रिस्क पर ट्रेड कितना आ गया? यानी एक शेयर होगा तो आपके पास 15 रुपए का रिस्क आएगा, तो आपके पास कितने शेयर होने चाहिए? तो 8 हम यहां डालते हैं तो 124 रुपए का है, 8 नहीं होगा आपके पास, आपके पास होगा लगभग 6 स्टॉक में 93 रुपीज का लॉस। तो आपका स्टॉप लॉस छोटा नहीं हुआ, आपका क्वांटिटी छोटी हुई। स्टॉप लॉस देखो 2 वीक लो का हमने रखा है, यानी अगर ये यहां से घूम के 2 हफ्तों का लो कट करता है तब जाके आपको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 93 रुपीज का लॉस होगा, तो इट मीन्स डाउन ट्रेंड आ गया, तो 93 रुपीज ही लॉस करेंगे। और आपने यहाँ पे मनी कितना इन्वेस्ट लगा? 2700 रुपया लगा आपको खरीदने में, और आपका परसेंटेज ऑफ लॉस कितना? 3.4% का रिस्क लिया आपने यहाँ ITC में। तो आपका स्टॉप लॉस छोटा नहीं हुआ, आपकी क्वांटिटी छोटी हो गई। जाएगा तो 93 रुपये ही जाएगा ना, आएगा तो 93 रुपीज आएगा। तो इस हिसाब से आपको रिस्क मैनेज करना है। तो जैसे ही आप ये रिस्क जितना अभी छोटा लेके चलो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार जब कॉन्फिडेंस आ गया तब जाके बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू करो। तो यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड आपका 5,000-6,000 हो जाएगा। जैसे अभी मेरा 6,000 है, मैंने भी 100 रुपये से शुरू किया था, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये ही जाएगा ना, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, ये माइंडसेट से हमने काम किया था। तो इस तरीके का आपको अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, तब जाके आपको चीज़ें आसान हो जाएगा मार्केट में किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैच करेगा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। डरिए नहीं, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क छोटा रखिए, जो हमने यहाँ रखा 100 रुपये का रिस्क लीजिए। अगर आपको 100 रुपये भी लगता है ज़्यादा है तो आप यहाँ 50 रुपये का रिस्क रखिए,
कि एक स्टॉक में ₹50 से ज्यादा नहीं खोएंगे, तब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 14 स्टॉक की बजाय आपका स्टॉप लॉस वही रहेगा जो आपने वीकली डिसाइड किया है, लेकिन आपकी यहाँ क्वांटिटी कम हो जाएगी, यहाँ ₹7 का हो जाएगा, तो सात ही स्टॉक होगा जिसमें आप ₹50 खोएंगे। ठीक है, तो इसे चेक करेंगे कि आप जिस स्ट्रैटेजी पे घुसे हैं वो स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आप यहाँ पे एनालिसिस आप डाल दीजिए कि हाँ क्या गलती किया था आपने, मार्केट और मिस्टेक क्या गलती किया था आपने, क्या सुधारना है, फिर अगले स्टॉक में सुधारिए। अब यहाँ भी ₹15 का पर रिस्क पर शेयर है, तो आप क्वांटिटी जहाँ पे 6 थी वहाँ पे आप क्वांटिटी आप 3 कर दीजिए, तो 3 करेंगे तो ₹46.5 का ₹50 का आपका रिस्क पर ट्रेड है। अब आपके पास 20 स्टॉक में खेलने का समय मिल गया। 20 स्टॉक में आप फिर एनालाइज करेंगे कि आप ₹10,000 से 20 स्टॉक ले रहे हैं और 20 स्टॉक में से कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उस हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्ड होगा आपका रिस्क, आपको डर नहीं लगेगा। ज्यादा ज्यादा ₹50 ही तो जाएगा और क्या जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने फियर को कम करिए, आपको स्टॉप लॉस नहीं कम करना, क्वांटिटी कम करनी है, रिस्क को मैनेज करना है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।